ओ भाई कुछ डरा वाला है। यमुनानगर के जिस साडोरा कस्बे में बीते दिनों हादसे के बाद डंपर को आग लगा दी गई थी, उसी साडोरा में आज बाइक सवार दो युवकों को एक के बाद एक दो डंपरों ने इतनी बुरी तरह से कुचला कि दोनों की सांसें सड़क पर ही थम गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सुशील और शेर सिंह नाम के युवक बाइक पर सवार होकर काम पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। डंपर के इस टक्कर में दोनों बाइक सवार जब नीचे गिर गए तो आगे चल रहे डंपर ने सुशील को कुचला और पीछे से आ रहे एक अन्य डंपर ने घायल शेर सिंह को भी कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह में सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया था जी। अमी ने यहाँ पे पुलिस को, एम्बुलेंस को, सबके बुलाया, परिवार के, इसके माता पिता को और इसकी वाइफ। इसके पास सबसे दुख की बड़ी बात है कि इसके पास छोटी छोटी बच्ची है, एक लड़के के पास दो बच्चे ही हैं और ये जो यहाँ डंपर है ये डेली इतनी रफ्तार पे चलते हैं। इनको समझाया भी गया, बार बार इनके लिए बोला भी गया इनको, और इसके बारे में आज हमने वो भी सोचा है कि यहाँ से हम अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को जाके मिलके एक इससे बातचीत करेंगे और इनके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगवाएंगे। अब जैसे परिवार गरीब है उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, उसके बच्चियों के बारे में भी उप मुख्यमंत्री जी से अपने से बात करेंगे और इनके बारे में। हादसे को अंजाम देने के बाद दोनों चालक अपने अपने डंपर घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। उधर परिवार में दो दो मौत एक साथ हो जाने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि पूरे यमुनानगर जिले में तेज रफ्तार डंपर चालक अपना कहर बरपा रहे हैं, मगर बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसके चलते सड़क पर बेकसूर राहगीर अपनी जान गंवा रहे हैं। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।